Hey peeps, welcome to my YouTube channel. ये जिंदा है। ये बात मुझे पहले बोलना चाहिए था, लाइक एक साल हो गया इस चीज को दोबारा बोलने के लिए। बट क्या करूं यार, कुछ चीजों में मैं बिजी हो गया था और बहुत कुछ सॉर्टेड आउट नहीं हो पाया अब तक। बट लाइक अब मैं ट्राई करूंगा कि लाइक रेगुलर ब्लॉगिंग करूं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करूं। चल झूठा। तो यार बहुत लोगों का ये सवाल आ रहा था यार, क्या हुआ अचानक से देहरादून से चले गए? लास्ट सेमेस्टर मेरा स्टिल पेंडिंग था फिर भी। तो इस ब्लॉग में मैं वो सब कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे क्या हुआ, देहरादून से अहमदाबाद आया, क्यों आया। मोस्ट ऑफ देम को पता है क्योंकि जो मुझे मेरे से इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है, मैं इंस्टा पर मोस्टली मैं इंस्टा पोस्ट करता रहता हूँ। बट जो नहीं जानते उसे मैं इस ब्लॉग में सब कुछ बताऊँगा, क्यों आया, कैसे आया, क्या हुआ। तो इस ब्लॉग में बने रहें यार। मेरे लिए काफी इमोशनल मोमेंट है, आज मैं कॉलेज यूनिफॉर्म लास्ट बार पहन रहा हूँ। ये देखिए मेरे रूम के कंडीशन, पैकिंग एंड ऑल हो गया है, 2:30 की मेरी फ्लाइट है। प्लान हुआ था सुबह निकलने का, पर सुबह तो यार उठ ही नहीं पाते हैं। और अभी कितना हैवी ट्रैफिक हो गया है और रास्ते में जो ट्रैफिक हो गया। ऐसा कि मैं टर्मिनल 1 पे पहुंचा, बट उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अब आपको टर्मिनल 2 जाना पड़ेगा, जो कि लाइक 15-16 किलोमीटर है यहाँ से। तो उसके लिए आपको बस लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने बस लिया, बस लेकर के फिर मैं टर्मिनल 2 गया। वहां पे फिर से मेरे को चेकिंग सिक्योरिटी चेकिंग का जो प्रोसेस है वो फिर से कंटिन्यू करना पड़ा। टर्मिनल 2 काफ़ी दूर है और ट्रैफिक जैम बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं यार फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ यार इस ट्रैफिक जैम से। तो अब सिक्योरिटी चेकिंग में जाना होगा, उसके बाद फिर अहमदाबाद की फ़्लाइट वहाँ पे लूँगा। ये थोड़ा सा हेक्टिक था और लाइक कनेक्टिंग फ़्लाइट में ऐसा मेजरली होता नहीं है, बट लाइक दिल्ली काफ़ी क्राउडेड है, वहाँ पे फ्लाइट्स एंड ऑल ज़्यादा है, तो उस वजह से वहाँ पे मुझे ये करना पड़ा, दोबारा सिक्योरिटी चेकिंग कराना पड़ा। तो थोड़ा सा ये हेक्टिक था, बट लाइक इट वॉज फाइन, चलो ठीक है, होता है। फाइनली यार मैं 6 घंटे के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच गया। तो उसके बाद फिर मैंने उबर किया, तो 250-260 दिखा रहा था, तो मैंने कर लिया। तो फिर मैंने कॉल किया कि यार कहाँ हो भी आप, कितने टाइम में आओगे? तो उन्होंने बोला कि यार मैं तो नहीं आ पाऊँगा क्योंकि ओला उबर का तो अभी स्ट्राइक चल रहा है, तो ये तो बंद है, तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो फिर मैं एक दो बार और ट्राई किया, तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो फिर ये उबर वाला कॉल आता है मुझे कि आप 800 रुपया दे दो, मैं छोड़ दूंगा वहाँ पर।
मैं तुझे यार 250 दिखा रहा है ऐप पे, तो यार एक तरह से हर हर एक एयरपोर्ट पे ये स्कैम चलता रहता है। मैं सोचा यार चलो यार फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ और इतना लेट तो ऐसे भी हो गया, कल से मेरे को फिर जाना है, तो मैंने यार बोला ठीक है 800 लेना है ले लो, बट आ जाओ बट मेरे को छोड़ दो। चूतिया बनाया तुमको। तो फाइनली इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि मैं अहमदाबाद इसलिए आया था क्योंकि मेरा प्लेसमेंट हो चुका है, वो भी लाइक एज अ फुल टाइम रोल। मोस्ट ऑफ द पीपल जो मेरे कॉलेज के हैं वो अभी इंटर्नशिप करेंगे, बट मुझे फुल टाइम जॉब रोल प्रोवाइड किया गया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कौन सा कंपनी है, कितना पैकेज है, क्या है, नहीं सब कुछ मैं इन डिटेल बताऊँगा। इस वीडियो में थोड़ा सा क्वालिटी का इशू आ सकता है, वीडियो क्वालिटी, तो थोड़ा सा झेल लेना है इसको यार। बाकी अब आगे से रेगुलर ब्लॉगिंग करूँगा और लाइक क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा। चलो ठीक है, बाय।